गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? डे इज थर्सडे, 7th जनवरी 2021. सो टेक योर कंप्यूटर बुक एंड लेट स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. गो ऑन पेज नंबर 7. नो योर कंप्यूटर. कंप्यूटर्स आर शोविंग अप एवरीवेयर यू लुक एंड इवन इन प्लेसेस यू कैन नॉट सी. कंप्यूटर चेक आउट योर ग्रॉसरीज, pump your gas, dispense money at the ATM, control the way your car runs. They are everywhere. They are everywhere. In fact, the computer is rapidly becoming, if it has not already gotten, there as tightly woven into the fabric of our life, lies at the automobile. Computer हमें सभी जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि वो जगह भी जहाँ हम देख नहीं सकते, जैसे ग्रोसरीज लेना, गैस में सॉरी पंप में पंप गैस करवाना, एटीएम से मनी डिस्पेंस करना, पैसे निकालना, कार को रन करना. इन सभी जगह पे एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम देख नहीं सकते. इनफैक्ट यहाँ तक कि कंप्यूटर इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, उसका आविष्कार हो रहा है, जिस तरह से वो हमारी एक लाइफ जो निजी लाइफ है लाइफ में ऐड हो गया है. नेक्स्ट, हाउ डज़ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक डेटा, प्रोसेस इट, गेव इट एंड गिव्स द रिजल्ट. ऑल कंप्यूटर फॉलो द स्टेज ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट, द इनपुट स्टेज इन्वॉल्व पुटिंग इन्फॉर्मेशन इन टू द सिस्टम. द प्रोसेस स्टेज इन्वॉल्व डूइंग समथिंग विद द इन्फॉर्मेशन. द आउटपुट स्टेज इन्वॉल्व डिस्प्लेइंग रिजल्ट. अबव मेंशन स्टेप टुगेदर फ्रॉम द इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आईपीओ साइकिल. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है और रिजल्ट देती है. इनपुट का मतलब है किसी भी डेटा को सिस्टम में लेना. प्रोसेस का मतलब है जो डेटा लिया गया है उसे उस पर काम करना. द आउटपुट स्टेज का मतलब है जो काम किया गया है डेटा पे उसे रिजल्ट के थ्रू हमें दिखाना. सो आईपीओ साइकिल इसे कहा जाता है. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. नेक्स्ट, फीचर्स. द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर हैज़ प्रूव दैट इट इज़ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल मशीन. द पावर एंड यूजफुलनेस ऑफ दिस पॉपुलर मशीन इज़ मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर. ये जो कंप्यूटर है वो अपनी पावर और यूज़फुलनेस मशीन है, उसको उसने प्रूव कर दिया है कि वो एक यूज़फुल मशीन है. इसके नीचे फीचर्स दी गई है. फर्स्ट फीचर है स्पीड, तेज़ गति. कंप्यूटर कैन वर्क एट वेरी हाई स्पीड. द टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर द एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी फास्ट. इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज़ मेजर इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड. कंप्यूटर एक तेज़ गति से चलने वाली मशीन है, जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस पर तेज़ी से काम करती है. सेकंड है एक्यूरेसी. दो द कंप्यूटर डज इट वर्क विद ए वेरी हाई स्पीड, इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक अनलेस द यूज़र गिव ए रॉन्ग इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर आर 100% एक्यूरेट. कंप्यूटर एक हाई स्पीड मशीन है, तेज़ गति से चलने वाली मशीन है, उसकी कार्य करने की क्षमता इतनी अच्छी है कि वो 100% एक्यूरेसी उसकी मशीन में काम होता है, लेकिन तब तक ही होता है जब तक कि हम उसे रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस ना दें. थर्ड नंबर, डेलीगेंस. कंप्यूटर कैन वर्क फॉर मैनी आवर continuously without taking any rest, without decreasing its speed, accuracy and efficiency. It is free from tiredness, lack of concentration, fatigue, etc.
कंप्यूटर एक लगातार बिना थके हुए बिना अपनी स्पीड एक्यूरेसी एफिशिएंसी को कम किए बिना थकान दिखाए बिना अपना एकाग्रता दिखाए वो काम कर सकती है बिना रुके हुए। जैसे कि हमें आराम की ज़रूरत होती है लेकिन कंप्यूटर को आराम की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना रुके काम कर सकती है। नेक्स्ट है वर्सटाइल। कंप्यूटर इज़ ए वर्सटाइल मशीन विच कैन डू वैरायटी ऑफ टास्क सच ए सिंपल कैलकुलेशन टू ए कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फील्ड फॉर वेरियस पर्पज। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, वो सिंपल कैलकुलेशन से लेके कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिकल, सिंपल से लेके हार्ड तक के सभी ऑपरेशंस पे काम कर सकती है। नेक्स्ट है स्टोरेज। कंप्यूटर हैज़ मास स्टोरेज सेक्शन वेयर वी कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर वर्क। सच डेटा आर इजीली रिकॉल्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर के अंदर एक मास स्टोरेज सेक्शन होता है जिसमें हम फ्यूचर के लिए वर्क सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कुछ उनके जरिए कंप्यूटर के जरिए सेकेंडरी स्टोरेज जो फ्लॉपी डिस्क सीडी हार्ड डिस्क ये सब होते हैं उनमें भी हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। एक बार अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कोई दे दिया गया है तो कंप्यूटर अपने आप से ही वो काम पूरा कर सकता है। रिलायबिलिटी। सिंस कंप्यूटर कैन डू इट्स वर्क वेरी फास्ट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक एंड विदाउट टेकिंग रेस्ट एंड इट्स is able to store data for future use. It is very reliable for trustworthy machine. Computer एक बिना रुके हुए बिना किसी गलती के काम करने वाली मशीन है और तेज़ गति से काम करती है। इसमें डेटा हम फ्यूचर के यूज़ के लिए रख सकते हैं। एक तरीके से देखें तो कंप्यूटर एक ट्रस्ट करने वाली विशेष विश्वास करने वाली मशीन है। लेकिन कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है वर्क करने की। सो वो है ए कंप्यूटर डज नॉट वर्क ऑन इटसेल्फ, इट्स रिक्वायर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड एंड एल्स कंप्यूटर इज़ ए वेस्ट। कंप्यूटर अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि उसे कोई इंस्ट्रक्शन या उसे जानकारी ना दी जाए। नेक्स्ट कंप्यूटर आर नॉट इंटेलिजेंट, दे हैव टू बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप विच दे हैव टू परफॉर्म। कंप्यूटर अपने आप से कोई इंटेलिजेंट नहीं है, उसे जो कहा जाएगा वो वही काम करेगा। थर्ड नंबर कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वन हैज़ टू प्रोग्राम द कंप्यूटर टू टेक एन एक्शन इफ़ सम कंडीशन प्रीवेल। उसे हम जो भी प्रोग्राम में फीड करेंगे जो डेटा वो उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। फोर नंबर कंप्यूटर्स अनलाइक ह्यूमन कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस। कंप्यूटर ह्यूमंस के जैसे एक्सपीरियंस के साथ कोई भी चीज़ नहीं खींच सीख सकता। जैसे एक बार गलती हो जाए तो वो दोबारा से वो नहीं सीख सकता कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन दियर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन और ऑन दियर कॉन्फ़िगरेशन। बाय कॉन्फ़िगरेशन वी मीन द साइज स्पीड ऑफ डूइंग कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को उसकी साइज़ उसकी स्पीड और उसके जो कंप्यूटेशंस हैं स्टोरेज कैपेसिटी है उनको देखते हुए अलग अलग क्लासीफाइड किया गया है, मतलब अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स व्हेन वी क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। द फोर टाइप्स आर, इसी को देखते हुए कंप्यूटर को चार पार्ट में बांटा गया है, जो है फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेनफ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर माइक्रो कंप्यूटर। ये चार अलग अलग है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, फिर उससे छोटा मेनफ्रेम, फिर उससे छोटा मिनी कंप्यूटर और सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। सो दैट्स इट।
complete this chapter. Thank you. Have a nice day.